उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आज साबिर पाक के 755वें उर्स में आए पाकिस्तान के 107 श्रद्धालुओं को वक्फ बोर्ड की तरफ से रिटर्न गिफ्ट के रूप में पाकिस्तानी जायरीनों एवं ग्रुप लीडर एहसानुल हक को वाहक बनाकर पाकिस्तान के मंदिरों में मौजूद पुजारियों को सह सम्मान भेंट करने के लिए गंगाजल, रुद्राक्ष की माला और श्रीमद भागवत गीता व कलियर शरीफ दरगाह का प्रतिरूप भेंट किया। पाकिस्तानी जत्थे के लीडर एहसान उल हक ने कहा कि हम हिंद का प्यार और सम्मान जिस विश्वास से हमें सौंपा गया है, हम उसी सम्मान से पाकिस्तान के पुजारियों को मंदिर पहुंचकर सहज सम्मान पहुंचाने का कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। हमने ये वादा साबिर पाक के दरबार में वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शम्स से किया है, जिसका वीडियो बनवाकर हम वहां से बहुत जल्द भेजेंगे, जिससे एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ सके। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जायरीन के लिए बेहतर इंतजाम किए। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि दुनिया का 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से पूरे भारतवासियों की ओर से यह संदेश भेजा जा रहा है कि हम अतिथि देवो भवा के मानने वाले हैं और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए विश्व शांति के लिए एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। बाकी पड़ोसी को साबित करना है कि वो कैसे आचरण करना चाहते हैं। वो प्रेम की जिस भाषा में चाहेंगे उन्हें जवाब दिया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एज़ाज़ बख्शा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात हैं, इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम आए। हमारे वहाँ जितने भी हिंदू बिरादरी या गैर मुस्लिम जो भी कौमें रहते हैं, वो अमन मोहब्बत और भाईबंदी से रहते हैं और इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे और मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ वहाँ भी रहते हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी इन लोगों से उम्मीद रखते हैं। जिस तरह इन्होंने हमें माशाल्लाह जो प्यार और मोहब्बत दिया है, इंशाल्लाह जी पाकिस्तान भी आएंगे तो हम इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देंगे। बहुत अच्छा जनाब, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी और हम बहुत खुश। यहाँ के इंतज़ामिया जितने भी सिक्योरिटी वाले, उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और हमने भी उनके साथ बड़ी कोऑपरेट करके इंशाल्लाह जैसे भी हालात थे उसके मुताबिक हम उनके साथ चलते हैं। दोनों मुल्कों के बीच जो दूरियां हैं कशीदगी, वो कैसे दूर हो सकती है? ये तो खानकाही निज़ाम, जितने भी सूफीज़म है यहाँ से लोग जाए मशाइख और वहाँ से जाए, और दोनों गवर्नमेंट से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ के मशाइखों को यहाँ का वीज़ा मिल जाए और यहाँ के मशाइखों को वहाँ, तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर हो जाएंगे। अमर मोहब्बत और यही सूफीज़म है जो फासले दूर करते हैं। क्या पैगाम लेके जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे यार? जी मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा। पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है, उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं, ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भवा के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। इसलिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से हमने ये एक छोटा सा तोहफा हिंद की तरफ से पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों के लिए भेजा है। मुझे लगता है इससे गंगा जमनी तहजीब और हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और ये बाइज्जत एक कासिद की तरह वहाँ उसे लेके जाएंगे और वहाँ के जो पुजारी हैं वहाँ के मंदिरों में इसको बाइज्जत सह सम्मान वहाँ सौंपेंगे और उसका वीडियो बना के भी इन्होंने वादा किया है कि ये हमें भेजेंगे। और मुझे लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, हम पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। अगर कोई हमारे साथ प्यार से रहता है तो उसे प्यार से जवाब दिया जाता है और इसलिए हमने प्यार से जवाब दिया है। बाकी पाकिस्तान और वहाँ के लोग तय कर लें कि वो कैसे रहना चाहते हैं, वो जैसे रहेंगे वैसे उन्हें जवाब दिया। गिफ्ट के रूप में श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली, रुद्राक्ष की माला, हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा में इनको सह सम्मान भेंट की है। और मुझे लगता है ये सिर्फ भेंट नहीं है, ये हमारी इज्जत है
हमने अपनी इज्जत पाकिस्तान के आए हुए जायरीनों के हवाले की है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की लाज रखेंगे और सह सम्मान हमारे मंदिरों तक, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, इसे सह सम्मान वहाँ पहुँचाएंगे। इन्होंने वादा किया है हमसे, साबिर पाक के इस दरबार में इन्होंने वादा किया है कि ये सह सम्मान वहाँ उसको पहुँचाएंगे और बहुत इज्जत के साथ उसके वीडियोस बना के भी हमें बिल्कुल हमने तो कहा हम अतिथि देवो भव के मानने वाले, जो तोहफा यहाँ की तरफ से होता है, जो चादर होती है, जो इलायची दाना होता है, वो तोहफा इनको दिया गया है, मिठाई इनको दी गई है। जाएं और अपने यहाँ बताएं कि हिंद के लोग बहुत ईमानदारी के साथ इज्जत करते हैं, प्यार बांटने वाले लोग हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा था वो बहुत जल्द साकार होने को है। तो विश्व में हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का भी डंका बजना चाहिए, उस दिशा में हम दो कदम आगे बढ़े। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है, उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे। और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं, उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। इसलिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार से, मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, हमने ये एक छोटा सा तोहफा हिंद की तरफ से पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों के लिए भेजा है। मुझे लगता है इससे गंगा जमनी तहजीब और हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और ये बाइज्जत एक कासिद की तरह वहाँ उसे लेके जाएंगे और वहाँ के जो पुजारी हैं वहाँ के मंदिरों में इसको बाइज्जत सह सम्मान वहाँ सौंपेंगे और उसका वीडियो बना के भी इन्होंने वादा किया है कि हमें भेजेंगे। और मुझे लगता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, हम पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। अगर कोई हमारे साथ प्यार से रहता है तो उसे प्यार से जवाब दिया जाता है और इसलिए हमने प्यार से जवाब दिया है। बाकी पाकिस्तान और वहाँ के लोग तय कर लें कि वो कैसे रहना चाहते हैं, वो जैसे रहेंगे वैसे उन्हें जवाब दिया जाए। हमने गिफ्ट के रूप में श्रीमद् भगवद गीता, गंगाजली, रुद्राक्ष की माला, हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा में इनको सह सम्मान भेंट की है। और मुझे लगता है ये सिर्फ भेंट नहीं है, ये हमारी इज्जत है। हमने अपनी इज्जत पाकिस्तान के आए हुए जायरीनों के हवाले की है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की लाज रखेंगे और सह सम्मान हमारे मंदिरों तक, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, इसे सह सम्मान वहाँ पहुँचाएंगे। इन्होंने वादा किया है हमसे, साबिर पाक के इस दरबार में इन्होंने वादा किया है कि ये सह सम्मान वहाँ उसको पहुँचाएंगे और बहुत इज्जत के साथ उसके वीडियोज़ बना के भी हमें भेजेंगे। बिल्कुल हमने तो कहा हम अतिथि देवो भव के मानने वाले, जो तोहफा यहाँ की तरफ से होता है, जो चादर होती है, जो इलायची दाना होता है, वो तोहफा इनको दिया गया है, मिठाई इनको दी गई है। जाएं और अपने यहाँ बताएं कि हिंद के लोग बहुत ईमानदारी के साथ इज्जत करते हैं, प्यार बांटने वाले लोग हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने विश्व गुरु बनने का जो सपना देखा था वो बहुत जल्द साकार होने को है। तो विश्व में हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का भी डंका बजना चाहिए, उस दिशा में हम दो कदम आगे बढ़े।